यार पैप कोडिंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिमूव डुप्लीकेट्स इन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हम सब मिलकर इसे करेंगे। अब बस अपना ध्यान यहाँ बनाएगा, ठीक है? चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो समझो हमें ना ऐसी कोई लिंक लिस्ट दी हुई है, जैसे कुछ भी मान लो, टू देन टू देन टू, थ्री देन थ्री, देन फाइव देन सिक्स सिक्स सेवन। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सॉर्टेड। पहली चीज़ जो मैं दी हुई है लिंक लिस्ट वो सॉर्टेड है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना कि वो पहले से ही सॉर्टेड है। और दूसरा हमें क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है? दो चीज़ें मेन है, सॉर्टेड है और हमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं। तो समझो कि अगर मैं इसके डुप्लीकेट्स हटा देता हूँ सब पूरी लिंक लिस्ट के, इस वाली के, तो क्या बचेगा अपना एंड में? सारे डुप्लीकेट्स हटे तो बचा टू, सारे डुप्लीकेट्स हटे बचा थ्री, नौ डुप्लीकेट्स में से बचेगा एक, नौ से बचेगा सिक्स, तो सेवन एज इट इज। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन स्टेटमेंट कि हमें डुप्लीकेट हटाने हैं जो कि सॉर्टेड है, ठीक? अब चलो इसके साथ थोड़ा खेल करते हैं, देखते हैं कि करा कैसे जाएगा, ठीक है? एक चीज़ समझना कि मुझे ये पता है कि अगर सॉर्टेड है तो सारे डुप्लीकेट्स ना हमेशा एक साथ होंगे, सारे डुप्लीकेट्स हमेशा एक साथ होंगे, है ना? तो मैं एक चीज कर सकता हूं कि मैं एक नई लिंक लिस्ट बना लूं, मैं एक नई लिंक लिस्ट बना लूं, न्यू लिंक लिस्ट, और मैं क्या करूं उसमें पहला वाला एलिमेंट पहले से डाल दूं। और अब क्या करना है, अब जब मैं दूस यहां से जब मैं दूसरे को जाके चेक करूंगा ना, तो मैं इसे चेक करूंगा इसके साथ, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है, दैट मीन्स डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं यहाँ चेक करूंगा कि क्या ये दोनों सेम हैं। अगर मुझे दिखेगा सेम है तो मैं चुप आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं थ्री पे आऊंगा, फिर मैं दोबारा चेक करूंगा कि क्या ये दोनों सेम है। इस बार सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो क्या करना है? सेम नहीं है, मैं सिंपल ये करूंगा, इसे ऐड कर दूंगा, ठीक? मैं आगे बढ़ूंगा, क्या ये दोनों सेम है? ये बोला हाँ ये तो सेम है, तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा। दोबारा मैं चेक करूंगा कि ये दोनों सेम है, बोला नहीं जी ये वाले तो सेम नहीं है, तो जब ये सेम नहीं है तो ऐड कर दो, फिर तो आगे बढ़ जाओ, क्या ये दोनों सेम है? सेम है मतलब डुप्लीकेट है, कुछ मत करो। ये दोनों सेम है, नहीं इस बार ये सेम नहीं है, क्या करो, ये सेम नहीं है तो ऐड करो, फिर इस बार यहाँ आ जाओ, फिर चेक करो क्या ये दोनों सेम है, सेम है कुछ मत करो आगे बढ़ जाओ, फिर चेक करो क्या ये दोनों सेम है, सेम तो नहीं है तो क्या करो, ऐड। समझ गए? तो हमें करना क्या है, हम आगे से बढ़ेंगे, अगर सेम है इसके साथ ही सेम है तो हम सिर्फ ना इसे लिस्ट से ही रिमूव कर देंगे, एक काम करते हैं लिस्ट से ही रिमूव कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेम नहीं है तब तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से रिमूव फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट रिमूव फर्स्ट करेंगे और इसमें ऐड लास्ट करेंगे, सिंपल। हमें ये काम करना है क्योंकि हम रिमूव करते हो तो चल ही रहे, जब हमें सेम मिला हमने रिमूव कर दिया, जब हमें सेम मिला हमने रिमूव कर दिया, है ना? अब एक चीज़ समझना, दो चीज़ें मेरे जाननी है इसमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। कोड के बाद में करेंगे, पहले ये दो क्वेश्चन समझ लेते हैं।
कोई मेरे से पूछता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो मैं कहूँगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही होगी जितना अपना लिंक लिस्ट का साइज होगा। मैं एक ही तो इटरेशन करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर लिंक लिस्ट एन साइज की है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ही हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही तो इटरेशन करता हूँ, बिग ओ ऑफ एन। अब बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ध्यान देना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट है, तो आपका सवाल होना चाहिए कि कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि हम तो लिंक लिस्ट बना लिया उसके बाद ऐड करते जा रहे हैं, राइट? तो कांस्टेंट तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसमें, तब तो मैं यहाँ से रिमूव भी तो करता हूँ, पहले मैं रिमूव करता हूँ बाद में मैं ऐड करता हूँ, समझते हो? कि पहले तो मैं रिमूव करता हूँ बाद में मैं ऐड करता हूँ, तो जब मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ यहाँ से ऐड करता हूँ, तो एट द एंड नंबर ऑफ नोड्स सेम ही रहेंगे। तो स्पेस कितनी होगी? कांस्टेंट। नंबर ऑफ नोड्स तो यहाँ से उठ के यहाँ आ रही हैं, समझे? तो कांस्टेंट हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। अब चलते हैं इसके कोड पे, कोड कैसे करना है। आपको समझ में आ गया कि हमें अप्रोच कैसे रखनी है। अब चलते हैं कोड पे, कोड भी काफी इजी है इसका। यह है रिमूव डुप्लीकेट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नई लिंक लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा, हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। जब दिस का जो साइज है वो 0 से बड़ा, हमें एन तक चलाना है ना, अगर साइज एन है तो हमें एन तक लूप चलाना है, राइट? हम रिमूव करते हुए चलते हैं, तो जब तक साइज 0 नहीं हो जाता तब तक हम अपना वाइल लूप ऑन रखेंगे। हम निकालेंगे पहले वैल्यू जो अपनी लिंक लिस्ट दी हुई है, उसमें से हमने गेट फर्स्ट लगा दिया, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई, सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें से पहली वैल्यू रिमूव भी करनी है, तो हमने क्या करा, दिस में से रिमूव फर्स्ट, ये और कर दिया, दो काम अपने हो गए, राइट? अब अपन को चेक करना है, इफ इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आपको देखने, इफ दिस का जो साइज है वो इक्वल टू 0 है, और वैल्यू नॉट इक्वल टू है डैश के टेल से, टेल के किससे, डेटा से। इन दो कंडीशंस में हमें क्या करना है, डैश में सिंपल ऐड कर देना है वैल्यू, हमें ऐड तब करना है या तो डैश का साइज 0 हो, मतलब इनिशियल टाइम हो, या फिर जब रिजल्टेंट है दस उसका डेटा वैल्यू के इक्वल ना हो, मतलब डुप्लीकेट ना हो, तभी हम ऐड करेंगे, नहीं तो हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं, राइट ना? और एट द एंड एक चीज़ और हमें करनी है। अब आप समझना कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम रिमूव डुप्लीकेट हमने फंक्शन लगा, लेकिन हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, हम एल ही प्रिंट कर रहे हैं, जो लिंक लिस्ट हमें दी हुई थी हम वही प्रिंट कर रहे हैं, है ना? तो हमें अभी एक चीज़ और करनी है छोटी सी, के दिस का जो हेड है उसे बना दो दिस का हेड, दिस का जो टेल है उसे बना दो दिस का टेल, और दिस का जो साइज है उसे बना दो दिस का। अब क्या होगा कि हेड और टेल जो पहले हमारी अपनी प्रीवियस जिसमें डुप्लीकेट्स थे उस लिस्ट लिंक लिस्ट को पॉइंट करता था, उसे ना पॉइंट करता, जब हेड और टेल जब ये नई वाली अपडेटेड लिस्ट है उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पर तो ये अपनी नई वाली को प्रिंट करेगा, राइट? तो एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई कॉम्पाइलेशन एरर होगी तो पता चल जाएगी कि हमने रन करा, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लिंक लिस्ट का, तो बहुत टाइम लेता है करेक्ट आंसर।
आप होपफुली समझ गए होंगे कि हमने क्या कंसेप्ट यूज करा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस, बाकी तो आई गेस तब समझ में आ गया होगा आपको। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। टैब कोडिंग, थैंक यू सो मच गाइस।